शपथकर्ण समारोह की अगली औपचारिकता के लिए मैं माननीय मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वह विधिवत इस शपथग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन करें। श्रीमती उषा शर्मा जी, माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति लेंगे। श्रीमती उषा शर्मा जी सामने आ रहा था मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूँ कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूँ कि कृपया मनोनीत मंत्रीगण को शपथ ग्रहण करावे। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया मनोनीत माननीय मंत्रीगण को क्रमशः शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करें। करोड़ीलाल मीणा जी मैं किरोड़ी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरोड़ीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। कैबिनेट मंत्री के रूप में है श्री गजेंद्र सिंह जी खीवसा। मैं गजेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसा ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों में समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। जय नर्मदा माता। जय भवानी। जय चामुंडा माता। जय चामुंडा माता।
श्री राजवर्धन सिंह जी राठौर मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं वेदी द्वारा भारत के स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पूर्वक श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बाबूलाल जी खराड़ी हाँ बताइए आपको श्री बाबूलाल जी खराड़ी मैं बाबूलाल खराड़ी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा।